इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जंग के हालात तैयार हो चुके हैं और अब इसराइल भी हिजबुल्ला के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पेजर्स धमाकों को लेकर दोटू कह दिया है कि हिजबुल्ला को एक संदेश दिया गया है, अगर वो फिर भी नहीं समझा तो मैं वादा करता हूं कि हम हिजबुल्ला को ये समझा देंगे। आपको बता दें कि नेतन्याहू का इशारा सीधे पेजर्स ब्लास्ट की तरफ था। नेतन्याहू का कहना है कि अगर हिजबुल्ला फिर भी नहीं माना तो हम उसे सबक सिखा देंगे। लेकिन अब इस जंग में इराकी प्रतिरोधी भी हिजबुल्ला की मदद के लिए कूद पड़े हैं। दरअसल इराकी प्रतिरोधी समूह ने दावा किया है कि उसने 23 सितंबर 2024 को कब्जे वाले फिलिस्तीन में इजरायली सैन्य अड्डे पर एक मिसाइल हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक से उतरी इजरायल पर अल अरकाब मिसाइलें दागी गई हैं और इस हमले से पहले 22 सितंबर 2024 की शाम को प्रतिरोधी समूह ने IDF के ठिकाने पर हमला किया। और इन हमलों को लेकर प्रतिरोधी समूह ने अपने बयान में कहा है कि इराकी प्रतिरोधी समूह ने जॉर्डन घाटी में कई इजरायली सैन्य टारगेट्स को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया है। कई ड्रोन अपने टारगेट पर सीधे लगे हैं और इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें पकड़ने में नाकाम रहा। ये हमला अल अरफात ड्रोन से किया गया है। इसके अलावा 22 सितंबर 2024 को इराकी एंटी टेरर ग्रुप ने अलग से उत्तरी इसराइल पर कई ड्रोन और मिसाइलें फायर की। ग्रुप का कहना है कि उसने ये हमले IDF के अहम ठिकानों पर किए। हालांकि इन हमलों में IDF को कितना नुकसान हुआ इस बात की कोई ठोस जानकारी नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ इन हमलों को लेकर लेबनानी न्यूज एजेंसी अल मयादीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इराकी प्रतिरोधियों ने ड्रोन हमले में IDF की गोलानी ब्रिगेड ऑब्जर्वेशन बेस को निशाना बनाया। वहीं प्रतिरोधी समूह का ये भी कहना है कि वो इसराइल के गढ़ में और ज्यादा भीषण हमले करेगा। लेकिन इन सबके बीच इजरायली मीडिया का कहना है कि पश्चिमी सीरियन गोलन में ड्रोन घुसने की वजह से कई इलाकों में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे थे। हालांकि इजरायली सेना ने कहा कि IDF के जेट्स ने ड्रोन को इंटरसेप्ट करके उसे हवा में ही मार गिराया। इस ड्रोन को इराक से सीरिया होते हुए फायर किया गया था। वहीं दूसरी तरफ इन हमलों को लेकर इजरायली मीडिया का दावा है कि 1991 के बाद से इराक से यह अभी तक का सबसे बड़ा हमला था, जिसमें प्रतिरोधी गुट ने 15 तरह के नए ड्रोन इजरायल पर फायर किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सभी ड्रोन सीरिया की तरफ से आ रहे थे, जिन्हें इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराने के लिए मिसाइलें फायर की। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि इजरायली एयर डिफेंस इन्हें इंटरसेप्ट कर पाया या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। आपको बता दें कि इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आयरन डोम इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही ये ड्रोन इजरायल की तरफ बढ़े, वैसे ही दक्षिणी गोलन हाइट्स, बिसन और जॉर्डन वैली में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे थे। हालांकि इजरायली न्यूज एजेंसी टाइम्स ऑफ इजरायल का कहना है कि इजरायली सेना ने बताया कि इराक की तरफ से 2 ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइलें फायर की गई। इन दोनों में से कोई भी इजरायल की जमीन को छू नहीं पाया और ना ही इन हमलों में कोई जान माल का नुकसान हुआ है। IDF के मुताबिक 23 सितंबर 2024 के मध्य सुबह एक ड्रोन पूर्वी दिशा से इजरायल के हवाई क्षेत्र में घुसा, जिसे दक्षिणी गोलन हाइट्स में गिराया गया। हालांकि ड्रोन के नुकीले पुर्जे गिरने के डर से कई कस्बों में सायरन जरूर बजने लगे थे।